मेरे सारे व्यूअर्स को वेलकम, स्वागतम, खुशामदीद, सलाम। आज जो मैं आपके सामने रेसिपी लेकर आई हूँ, यकीनन उसका नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। कोई बात नहीं, आज मैं बना रही हूँ, कल आपकी बारी है। आप जब भी बनाएं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वो रेसिपी कैसी लगी, जिसका नाम है पाए। ये हमने लिए हैं चार पाए, इन्हें हमने अच्छी तरह वॉश कर लिया। अब इसमें जो मसाले डाले जाएंगे वो हैं, 2 टीस्पून नमक है, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1/2 टीस्पून हमने कश्मीरी मिर्च पाउडर लिया, 1/2 टीस्पून हमने हल्दी पाउडर लिया, 2 टेबलस्पून हमने धनिया, सूखा धनिया पाउडर लिया, 2 टेबलस्पून हमने गरम मसाला पाउडर लिया, और ये हमने एक मीडियम प्याज थी उसको ग्राइंड कर लिया, 3 टेबलस्पून हमने अदरक का पेस्ट लिया है, 3 टेबलस्पून हमने गार्लिक पेस्ट लिया है, ये 1 टीस्पून हमने ज़ीरा लिया है, 2 सिनेमन के ये दालचीनी के पीसेस ले लिए, 8 लौंगें लिए, 8 इलायचियाँ लिए, 3 तेज़पात लिए हैं, ये 1 इंच का टुकड़ा हमने अदरक का लिया है जिसका जूलियन कर लिए, 1 बड़ी हरी मिर्च लिए उसके पीसेस कर लिए, थोड़ा सा धनिया लिया है, और 1 मीडियम प्याज हमने स्लाइस कर लिए फ्राई करने के लिए। अब ये हम पाए इसमें डालेंगे। अब इसमें हम लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब हम ये 1/2 गार्लिक पेस्ट इसमें डाल देंगे, और ये 1/2 ये अदरक का पेस्ट भी इसी में डालेंगे, और ये तेज़पात, 4 इलायची हम डाल देंगे छोटी वाली, और ये दालचीनी का पीस दोनों इसमें डाल देंगे। इसी में से 1 टीस्पून नमक डालेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, ये सारा हल्दी पाउडर डाल देंगे, और 1 टीस्पून हम गरम मसाला पाउडर डालेंगे। अब इतना पानी डाल देंगे कि ये सारे पाए जो हैं भीग जाएं, क्योंकि हमें इन्हें 1/2 घंटा प्रेशर कुक करना है, प्रेशर कुकर में 1/2 घंटा रखना है। फ्लेम हमने ऑन कर दिया। अब हम इसमें 1/2 कप ऑयल डालेंगे, ये कटी हुई प्याज डालेंगे, इसे हमें फ्राई करना है। इसमें प्याज हमारी लाल हो गई है, इसमें ही हम ये 4 इलायचियाँ और ये लौंग और ये जो ज़ीरा है ये भी डाल देंगे, और एक प्लेट में इसको निकाल लेंगे। ये प्याज, लौंग और इलायची हमने ब्राउन कर ली, अब ये हम इसको ग्राइंडर में डालकर पीस लेंगे। ये प्याज जो हमने ग्राइंड की थी, जो हमने कच्ची प्याज ग्राइंड की थी वो इसमें डालेंगे और उसे भूनेंगे। प्याज का जो पेस्ट हमने डाला था वो भुन चुका है, अब इसमें हम डालेंगे लहसुन का पेस्ट और अदरक का पेस्ट। ये पाए हमारे गल चुके, अब इसका जो ये सूप है, इस शोरबा, इसी से ही हम अपना मसाला भूनेंगे, क्योंकि इसमें भी हमने मसाले डाले थे तो वो भुन भी जाएंगे और उस मसाले में ऐड भी हो जाएंगे। ये हमारा लहसुन अदरक प्याज भुन चुका है, अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे, ये नमक, लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये धनिया पाउडर, गरम मसाला हम बाद में ऐड करेंगे, और थोड़ा सा ये जो हमने पाए गलाए हैं उसका पानी उसके साथ भूनेंगे अब इसको सबको। हमारा मसाला अच्छा भुन रहा है, इसमें हम गरम मसाला ऐड कर देंगे,
और इसको थोड़ा और भूनेंगे। अब ये जो हमने अपनी प्याज, इलायची और लौंगे फ्राई की थी उसका हमने पेस्ट बना लिया था, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। अब हमारा मसाला बहुत अच्छी तरीके से भुन चुका है, अब इसमें हम पाए ऐड कर देंगे। और ये हमारे पास थोड़ा और इसका सूप है, ये इसमें ऐड कर देंगे और इसको एक अच्छा बॉईल देंगे सारे गोश्त को और ग्रेवी को, ताकि ये अच्छे तरीके से एक दूसरे में मिक्स हो जाए। अब ये देखें हमारे लाजवाब पाए बनकर तैयार हो गए। अब इसको हम डिश आउट करते हैं और फिर आपके आगे पेश करते हैं। Have a Netflix marathon, KG's saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on, all the way baritone. Oh, yeah. Shut the lights, go in. अब हम ये जो अदरक के हम जूलियन हमने काटे थे, ये हम इसमें गार्निश करेंगे इससे। ये हरी मिर्च और ये थोड़ा सा हरा धनिया। मेरे सब्सक्राइबर्स की फरमाइश पे ये पाए की डिश मैंने तैयार की है। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी, आप भी ट्राई करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।